गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज सैटरडे है तो हम लोग हर सैटरडे के लिए साइंस की एक्टिविटी रखेंगे करने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से एक साइंस की किट आई है। किट कोई भी हो सकती है। किट का मतलब होता है कोई ऐसी डिवाइस जो हमारे किसी यूज़ में आए, उसमें बहुत सा मटेरियल रहे हमारे यूज़ करने के लिए। तो देखिए लिखा है सप्लाइड बाय ऑर्डर थ्रू NCERT न्यू दिल्ली। NCERT की तरफ से, जिसका सेंटर न्यू दिल्ली में है, ये समग्र शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश वालों ने हमें दी है। और ये उच्च प्राथमिक विज्ञान किट दिखाई दे रहा आप लोगों को। यानी ये किट किस स्तर के लिए है? उच्च प्राथमिक, यानी आप जैसे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए जो 6 से 8 में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इस साइंस किट में क्या क्या चीज़ें हैं। खोलें? yes, तैयार हैं आप लोग? yes, शुभारंभ करते हैं। चलिए पकड़िए, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये किताब है। ओके, ये बहुत बढ़िया। इसमें जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं, एक कोशिकीय जीव, कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यस, अमीबा, बैक्टीरिया। तो ये देखिए अमीबा का चित्र है, इसमें आपको अमीबा के बारे में बताया गया है। अमीबा का चित्र है, हाइड्रा है, स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा क्या होता है? फन, यस, वेरी गुड, शैवाल होता है। इसके इसमें द्विखंडन विधि होती है, है ना, अलैंगिक जनन, ये सब बताया है। राइजोपस, अभी आप लोग याद कर रहे थे कि नहीं, राइजोपस क्या है? कवक है। हाँ, 3 कवक के नाम बस जब याद कराए थे, राइजोपस, म्यूकस, एस्फर्जिलस, तो यही है राइजोपस। तो ये आप जब देखेंगे तो ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप में देखा गया है। किसमें देखा गया है? यहाँ पर बेटा अबू ईमान, यहाँ पर एक फाइल रखी हो, वो लाइए। तो ये हम आपको बारी बारी से हर सैटरडे को इनके बारे में बताएंगे। अभी आप इसमें भर दें इसको। हाँ, आप ये देख रहे हैं, ये आपकी किट में होगा भी। ये देखिए, ये है माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब होता है एकदम छोटा, जो हमें खुली आंखों से ना दिखाई दे, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपके उसमें होगा। हम आपको उसे यूज़ करना सिखाएंगे और आप खुद तालाब का पानी वगैरह कुछ भी चीज़ लाइएगा, हम आपको उसमें दिखाएंगे कि कैसे देखा जाता है। ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप। और देख लेते हैं क्या है इसमें। ओके, ये है उच्च प्राथमिक विज्ञान किट मैनुअल। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होगा? इसमें, इस किताब में क्या लिखा होगा? इस किट के सारे यूज़। हाँ, इसमें जो सामान है, यस, विज्ञान किट की मैनुअल है। मतलब इसमें जो जो सामान है उसको हमें कैसे बच्चों को दिखाना है, कैसे? क्या प्रयोग करके दिखाना है, बच्चे कैसे करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आज आप क्लास 7th का टर्न था मेरा, तो 7th वालों को दिखाया। जब मेरा टर्न क्लास 6 में साइंस के लिए होगा तो साइंस वाले बच्चे भी आएंगे। तो ये बुक है पूरी, इसमें देखिए कांच का गिलास, क्या क्या चाहिए, क्या क्या करने के लिए। क्या वायु में जल होता है बताइए? जल वायु में जल होता है कि नहीं होता बताइए? वायु क्या है? वायु एक गंदी, वायु तो हवा है, वायु है क्या? वायु तमाम तरह की गैसों का मिश्रण है, जिसमें धूल कण भी होते हैं और जल वाष्प भी होता है, पर हमें दिखता नहीं है। तो यही प्रयोग होने जा रहा है कि क्या वायु में जल होता है? होती है, हवा में पानी होता है। ठीक है, तो एक एक करके प्रयोग इसमें से हम लोग कराएंगे और आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और ये है इसमें, इसमें जैसे कि देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास है,
कोई चीज़ छोटी है उसको बड़ा करने के लिए हम लोग देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक विद्युत से संबंधित कोई प्रयोग है, यहाँ पर बल्ब लगा के जलाकर दिखाया जाएगा, ये है इसमें। और देखें तो इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं, कुछ बैटरी है, मोमबत्ती है। अच्छा, ये सब हमारे प्रयोग में आती है कि नहीं आती, विज्ञान में, विज्ञान का प्रयोग करने के लिए आते हैं। इसको ज़रा खोल कर देखा जाए, थर्मोकोल की गोलियां हैं, ये भी ना किसी प्रयोग में आएंगी। और ये पिन है, हाँ ये देखिए, ये वायर हैं जिन्हें लगा के आपको दिखाया जाएगा करंट के बारे में, ठीक है। और ये जो गिरा है ये मैग्नीशियम का तार है, किसका तार है, मैग्नीशियम का तार है। इसको हम आपको जलाकर दिखाएंगे अम्ल के प्रयोग में, कि इसकी जो राख है, जब इसको जलाते हैं तो इसकी राख पता है सफ़ेद पाउडर की तरह बन जाती है। और ये सफ़ेद पाउडर को जब हम डालते हैं ना, इसको हम सफ़ेद पाउडर को अम्ल में जब डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और क्या है इसमें, ओके, ये स्टरलाइज्ड है, पट्टी है इसमें, ठीक है, कॉटन, इसमें कॉटन है। और ये क्या है, ये ड्रॉपर होता है, इसमें हम पानी भर लेते हैं। और जैसे हमें किसी चीज़ में पानी डालना होता है तो हम ग्लास से डालते हैं या हाथ से डालेंगे तो पानी क्या होता है, ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसमें हमें बस बूंद बूंद, जितनी बूंद की ज़रूरत होती है उतनी डाल लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ड्रॉपर। ड्रॉप माने क्या होता है, पानी की बूंद, बूंद बूंद डालने वाले को ड्रॉपर कहते हैं। और हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये देखिए, थर्मामीटर, इसे क्या मापते हैं बच्चों, टेम्परेचर, हाँ तापमान, टेम्परेचर बॉडी का इससे मापते हैं। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है बताओ, सेल्सियस वाला बताना, 37 डिग्री सेल्सियस, हाँ कितना, 37। अच्छा, फॉरेन हाइट में, 98.6, कितना होता है प्रचंद प्रभा, 98.6, शाबाश। ये देखिए, इसमें हमें कुछ मेजरमेंट लेना होता है कि इतना ml पानी लीजिए, फिर उसको उड़ेलिए कहीं पे, तो पानी नाप कर लेने के लिए ये पाइप हमें दिया गया है। आज हम आपको सिर्फ किट को अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं, इसके एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट सैटरडे से शुरू करेंगे, ठीक है, या क्लास सिक्स में हम शुरू कर सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, क्लास सिक्स में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी स्केल है जो कि काम आएगी, और ये है आपका फ्लिंट पेपर। फ्लिंट पेपर मतलब आप लोग समझते होंगे रेगमाल, सुना है, रेगमाल, ये उसका है, किसी न किसी प्रयोग में इस बुक में दिया होगा, उसमें ये काम आएगा, तो हम लोग वहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद इस डिब्बे में देखते हैं क्या है, जरा माया मेरी हेल्प करो, निकालो, और निकालो, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है, जनरेटर है, इसमें क्या है, जनरेटर। जैसे आप बड़ा जनरेटर देखते हो ना, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर ना बिजली बनाता है, यस, उसमें अगर बहुत तेज गति पहुंचा दी जाए, नचा दिया जाए कसकर, तो क्या उत्पन्न करता है, बिजली उत्पन्न करता है। तो इसमें ये जनरेटर, आइए खोल कर देखते हैं। अबू ईमान इसे खोलो, आ करके इधर आ जाओ, यहाँ पर रख के खोलो, चंद प्रभा आप इसे आओ, इसे खोलो, आकर देखते हैं इसमें क्या है। ये अबू ईमान हैं और ये चंद प्रभा हैं, अच्छे बच्चे हैं। इसको रख, माइक्रोस वो है, वो निकालिए, हाँ ये देखें, माइक्रोस्कोप नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये यीस्ट का पाउडर है, वो जो यीस्ट के बारे में पढ़ते हो ना, हाँ ये उसका पाउडर है। ये कुछ केमिकल्स हैं, ये खाली डिब्बे दिख रहे हैं आपको, हम ये केमिकल्स इसी में थोड़ा थोड़ा भर के रखेंगे, सजा कर रखेंगे, और हम प्रयोग करके दिखाएंगे।
ओ आराम से आराम से, बहुत सुंदर जनरेटर है ये, है ना, बिल्कुल असली जैसा लग रहा है, देखें तो इसको, वाओ। और जैसे आपने शादी ब्याह में जनरेटर देखा है, उसको उसमें भी ऐसी हैंडल लगी होती है कि नहीं, और उसको चलाते हैं, हाँ कहीं से लॉक होगा ये, और जब वो तेज से चला देते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, मूव द मैग्नेट डिस्क विथ थंब इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ओके ओके, लिख जब इसको चलाएंगे ना और यहाँ से कनेक्शन करेंगे तो बल्ब जलेगा, वो दिखाया था ना लीड आपको, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे और उसको आगे लगाएंगे, फिर जनरेटर चलाकर दिखाएंगे और आप देखेंगे कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ठीक। और साथ में देखिए इन्होंने ये भी दे दिया है यहाँ पे, ये एक दूसरा साइंस का प्रयोग है, ये जान रहे हैं सेवन कलर्स, विबग्योर वाले कलर हैं ये, और इसमें ये साथ में इसलिए बना दिया है कि जब ये सेवन कलर्स में रोटेशन होगी, गति होगी, तो इनमें से कोई कलर नहीं दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट या ग्रे, यस बनवाया भी है ना, कौन सा कलर दिख रहा है यहाँ पे, काफी तेज चल रहा है जनरेटर, तो इसमें एक जनरेटर का प्रयोग दिखाया गया, दूसरा ये भी, तो इसका मतलब हम जब सनलाइट देखते हैं तो आपको सारे सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है, जबकि उसके अंदर कितने कलर होते हैं, सेवन, इसलिए हमारा रेनबो भी सेवन कलर का बनता है, और जो सेवन कलर होते हैं उसे याद करने का ट्रिक भी बताया है, क्या, विबग्योर, और जब इस इन रंगों में गति होती है, जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो कौन सा कलर बन जाता है, वाइट, या कभी आपको स्लेटी या ग्रे कलर का दिखेगा, बहुत सुंदर है ये। और उसके बाद ये कुछ बॉक्स चंद्र प्रभा ने खोला था, इसमें आप देख रहे होंगे टेस्ट ट्यूब्स, क्या है ये, जैसे कुछ केमिकल हमें मिलाना है, इसमें हमने ये मिलाया, फिर थोड़ा सा ये मिलाया, और ये जो रॉड है ये स्टिर करने के लिए है, घुमाने के लिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे और आपको सिखाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, मज़ा आने वाला है। और इसका जो प्रभारी है, हम चंद्र प्रभा को बना रहे हैं, चंद्र प्रभा के सिवा कोई इसे छू नहीं सकता, ठीक है। जब आपसे कहा जाए कि ये करो तभी आप करेंगे। ये एक छोटी सी कांच की प्लेट आप देख रहे हैं, इसमें सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये लेंसेज भी हम आपको दिखा सकते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऐसे करके आइए। इसमें माइक्रोस्कोप मुझे मिसिंग दिख रहा है, माइक्रोस्कोप मुझे नहीं मिला इसमें, नहीं वो नहीं है, मुझे लगा था कि होगा और होना भी चाहिए था, पर है नहीं, चलो कोई नहीं, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। ये सारे फिजिक्स के हैं, ये एक छोटी सी हैमिट है, इसको तो जानते ही होंगे, हाँ हैमिट कहते हैं इसको, और बड़ी होती है तो हैमर कहते हैं, हथौड़ा, ठीक है। ये क्या है, हाँ ये वायर है कॉपर के, तांबा जिसे कहते हैं, उसके उसका तार है, और ये छोटी डिब्बियाँ हैं। तो और इसमें देखिए कुछ बलून्स हैं, बलून्स भी हमारे साइंस के प्रयोग में आते हैं कि नहीं, आप लोग तो लेके आते हो, ये बलून्स हैं, और इसमें शायद छोट कुछ स्लाइड्स होंगे, इसमें पता है क्या होगी, स्लाइड्स होंगी जो कि लगाई जाती हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। कुछ नहीं, इसमें वो हैं बोल हैं छोटे छोटे कांच के, प्रयोग करके रखने के लिए, कुछ नहीं है उसमें, समझ गए, स्लाइड्स नहीं हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं है तो स्लाइड्स कैसे हो सकती हैं।
बस वो खाली डिब्बे हैं। ये नलकी है, धागे का भी काम हमारे प्रयोग में होता है। ये चक्री है वाइट, इन सब का प्रयोग हम लोग अपने प्रयोग में करेंगे। ये एक इंजेक्शन है। पहली चीज़ तो हम आपको इंजेक्शन इसलिए दिखा सकते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लड वाले चैप्टर में कि हमें हर बार नए इंजेक्शन का, नई सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा यदि हमारे किसी भी प्रयोग में इसका काम होगा तो हम लोग उसमें वहाँ पर इसको लगाएंगे। ये प्रिज्म है, आपकी बुक में भी ये बना होगा। ये प्रिज्म है, इसको हम सनलाइट, इसकी किरणें जब सूरज की किरणें इस पर पड़ेंगी तो यहाँ से जो किरणें निकलेंगी वो सात रंग की आपको दिखाई देंगी। आपकी बुक में ये चित्र बना भी है। प्रिज्म कहते हैं जो, इसको क्या कहते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। समझ गया है ना, इसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का क्या काम होता है, ये सूर्य के सात रंगों को फैलाकर हमें दिखाता है। ठीक है, बहुत सी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये एक थर्मामीटर है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं क्लिनिकल, और ये जो थर्मामीटर है ये प्रयोगशाला का, लैब का, लेबोरेटरी का है, और ये डॉक्टरी वाला। दो थर्मामीटर है कि नहीं आपकी बुक में, एक प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर। दो तरह के थर्मामीटर हो गए। इन दोनों से ही हम क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। ओके, ये तो कवर स्लिप्स हैं। ये कवर स्लिप्स तो वही हैं जो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कांच से ढकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप ने, हाँ ये एक और चीज़ मिल गई मुझे। ये देखिए लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या पता करने के लिए होता है, अम्ल और क्षार। यस, अम्ल और क्षार। तो अगर हम, ये तो लाल है, अगर मीन्स इसको अम्ल, अम्ल जो होता है, अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाल देते हैं तो कैसा होता है, लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर को यदि हम क्षार में डाल देते हैं तो वो नीला हो जाता है। ठीक। अच्छा, मैंने और बताया था कि कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जो अम्ल और क्षार बता सकती हैं। कोई नाम बता सकता है, जैसे गुड़हल की पत्ती, हल्दी, और तो ये सब क्या, ये अम्ल के, अम्ल और क्षार के नेचुरल सूचक हैं, यानी प्राकृतिक सूचक। और कुछ और भी होते हैं लिटमस पेपर के अलावा, मिथाइल ऑरेंज, फिनालफ्थिलीन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये लाल लिटमस पेपर है और नीला भी कहीं इसमें होगा। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। ये अमीटर है, ये कीप्स हैं, और ये मैग्नेट्स क्या हैं, बार मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के टाइप हैं। ये एक फोम का टुकड़ा है, और ये ब्रश है सफाई करने के लिए। ये तो प्रोटेक्टर है, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, एंगल सेट करने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो है इस सामान को चंद्रप्रभा और अबू ईमान मिलकर इन सब में सेट कर देंगे। ठीक है, जो जहाँ रहेगा वैसे ही रहे, और सेट करके यहीं पे रख दें, यहीं पे ये रखा रहेगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर कोई, यहाँ पे कोई सपोर्ट लगा देना कि ऐसे ये रुका रहे। और आज कितना टाइम हो गया है, टाइम हो गया है क्लास का, मतलब ओवर हो गई है साइंस की क्लास, तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग जाएं, और नेक्स्ट सैटरडे हम लोग अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और सीखेंगे। आराम से जाइएगा।